अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल, माय फैशन स्टूडियो। तो आप लोगों ने हमें दुआओं में याद रखा होगा इंशाल्लाह ताला। हम अपनी हर वीडियो में आपसे कहते हैं हमें दुआओं में याद रखा कीजिए। यकीनन आप हमारे लिए भी दुआ करते होंगे, हमें भी अपनी दुआओं में याद करते होंगे। दुआओं के साथ अब हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत शानदार सी मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि गोल्ड के डिज़ाइन है। ये इसमें आपको लॉन्ग माला डिज़ाइन भी नज़र आएंगे, रानी हार के डिज़ाइन भी नज़र आएंगे, इसमें आपको चोकर के डिज़ाइन भी नज़र आएंगे। बहुत प्यारे से, बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है ये गोल्ड के अंदर। ये देखिए, इसको रानी हार कहते हैं, जो कि बहुत प्यारा सा है, बहुत ही खूबसूरत सा है। ये देखिए, इस पर स्टोन वर्क का काम हुआ है। ये ब्राइडल सेट है, जो कि ब्राइड के ऊपर बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, चोकर के साथ ये सेट है, नेकलेस एंड चोकर, ये डबल सेट है। ये देखिए, इसे भी हम रानी हार कहते हैं, जो कि बहुत प्यारा सा है। ये प्योर गोल्ड के सेट हैं सारे के सारे। बट अगर आपके यहाँ किसी की शादी है, किसी वेडिंग है, आपके यहाँ अगर कोई शादी हो, कोई वेडिंग हो, और आप लोगों ने गोल्ड उनकी ज्वेलरी बनानी है, गोल्ड की ज्वेलरी बनानी है, तो बहुत प्यारे से डिज़ाइन है, बहुत ज़बरदस्त से डिज़ाइन है। इसमें आपको लॉन्ग हार में भी नज़र आएंगे, लॉन्ग माला में भी डिज़ाइन नज़र आएंगे, और आपको इसमें चैन के डिज़ाइन भी नज़र आएंगे, इसमें आपको कम गोल्ड वाले डिज़ाइन भी नज़र आएंगे। बहुत सारी कलेक्शन है इसी एक वीडियो के अंदर। ये देखिए, ये लॉन्ग माला के स्टाइल में है, हार हैं ये, बड़े हार हैं ये विद लॉकेट। ये इंडियन स्टाइल में है, ये क्राउन के साथ है। आजकल क्राउन का फैशन बहुत कम है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी दुल्हनों को, अपनी ब्राइड को क्राउन बनवा के देते हैं। पहले ज़माने में तकरीबन हम जो भी ब्राइड देखते थे, तो गोल्ड इतना महंगा नहीं होता था, बहुत सस्ता सा गोल्ड होता था। बहुत बहुत सारा गोल्ड लोग अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को देते थे, वो किलो के हिसाब में गोल्ड देते थे, आधा किलो, एक पाव, एक किलो, इस तरह से पहले गोल्ड इस तरह से दिया जाता था। लेकिन अब तो बहुत सारी वेडिंग्स ऐसी हैं जिसमें गोल्ड देना पॉसिबल ही नहीं होता बहुत सारे लोगों के लिए, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही यूज़ होती है। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ऐसी आई है जो कि बिल्कुल गोल्ड स्टाइल में लगती है, कोई देख के कह नहीं सकता कि गोल्ड नहीं है। तो व्यूअर, ये आप जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ये हैं तो गोल्ड के डिज़ाइन, लेकिन आपको ये डिज़ाइन आर्टिफिशियल ज्वेलरी में भी मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ये पॉल की स्टाइल में सेट है, और इस तरह के सेट बहुत अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, और इस तरह के सेट भी। तो आप अगर चाहें तो आप गोल्ड के भी ले सकती हैं, आप चाहें तो आप आर्टिफिशियल भी ले सकती हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी ब्राइड के लिए या खुद अपने लिए। खुद भी जब फंक्शन में हम थोड़े हैवी ड्रेस पहनते हैं, लाइक साड़ी, लहंगे, करारे, शरारे, तो उनके साथ जब मेहंदी होती है, शादी होती है, तो जो दुल्हनों के करीबी अजीज़ होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, जो ब्राइड के बहनें होती हैं, कज़न्स होती हैं, तो बहुत ही हैवी, थोड़े हैवी टाइप वो ड्रेसेस पहनना पसंद करती हैं, उनके साथ हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद करती हैं, बहुत ही खूबसूरत सा तैयार होती हैं। तो साड़ियों के लिए, लहंगों के लिए इस तरह के सेट आप पहनिए, इस तरह के आप डिज़ाइन लीजिए, उनके साथ भी बहुत प्यारे लगते हैं, आप मैचिंग के लीजिए। और जो गोल्डन कलर में होते हैं, वो तो हर ड्रेस के साथ ही चलते हैं, क्योंकि हर ड्रेस के साथ वो सूट करते हैं, और हर ड्रेस के साथ वो अच्छे भी लगते हैं। ये देखिए, कितने नाजुक से डिज़ाइन है, पेंडेंट टाइप चेन है ये, क्योंकि बहुत प्यारी है, टोटल सी ये नेक जितनी है। ये देखिए, ये सेट भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत सा नाइस सा सेट है। अगर आपने किसी को गिफ्ट के लिए देने हो, तो आप इस तरह के सेट ले सकती हैं। ये देखिए, ये गोल्ड में बना हुआ है सेट, और बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। ये इंडियन स्टाइल का डिज़ाइन है, जो कि बहुत प्यारा है, बहुत स्टाइलिश सा है। इस तरह के डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ये बहुत एहतियात से हमें रखने पड़ते हैं, क्योंकि नाजुक बहुत होते हैं, थोड़ा सा हम बेहतियाती करते हैं तो इन ये मुड़ जाते हैं और टूट जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं। देखिए, इस तरह के डिज़ाइन बहुत प्यारे हैं, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन है। तो एक बार आपने हमारी वीडियो एंड तक देखनी है, और अच्छी तरह से इसे इंजॉय करना है,
वीडियो को और हमें ज़रूर कमेंट्स में हमें आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बहुत अहम होते हैं। हमारे कमेंट्स आपके कमेंट्स से हमें अपने व्यूवर्स की चॉइस का पता चलता है कि सबसे ज़्यादा उन्हें क्या चीज़ें पसंद है और सबसे ज़्यादा वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं। तो व्यूवर्स कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताया कीजिए और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना मत भूलिए और हमारे चैनल का विजिट करते रहा कीजिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और आप बेल आइकन अभी तक टैप नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, सब्सक्राइब हमारा चैनल आपने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए इससे पहले कि ये वीडियो ख़त्म हो। और हमारी वीडियो को शेयर करना भी मत भूला कीजिए ताकि और लोगों तक भी हमारी वीडियोज़ पहुँच सकें और लोग भी हमारी कम्यूनिटी का हिस्सा बन सकें और हमारे चैनल से फ़ायदा उठा सकें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।